म्यूजिक पे चल के आएंगे. रेडी? साइलेंस. गोविंदा 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 गोविंदा. करंट तो नहीं लगेगा ना? ए संभाल भाई. तो हमें लगना चाहिए. मुझे रोहित जी वो जो सवाल दिया था वो ट्रेलर से पहले था. ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे सवाल आ गए. तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि फिल्म से रिलेटेड होगा तो बता दूंगा. तुझे पता है? ओहो, उफ, टेनिस मैच. एक्चुअली मैं भी सवाल भूल गया हूँ. क्या है भाई? आजा तू इधर आजा. ओके ओके. अब पूछ. सो रणवीर जी, सवाल ये आपसे ही है कि सर्कस की शुरुआत हमारे मिस्टर शाहरुख खान जी ने की थी जी, एंड आज वो हमारे इंडस्ट्री के किंग खान बन गए हैं जी. नाउ आप भी सर्कस तक पहुंच गए हैं, तो क्या आप भी किंग खान तक वो जर्नी कुछ बताना चाहेंगे? आज के बोलना पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया. आज आज किंग खान थोड़ी बने, कितने सालों से वो किंग है. आपने मेरी शोभा बढ़ा दी, मेरा नाम उनके साथ लेके उनके उनको देखकर तो हमने कभी सोचा कि हम भी एक्टर बनेंगे. हमारे आइडल हैं. उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में, इट इज वन ऑफ अ काइंड. बस उनकी तरह जैसे उन्होंने प्यार कमाया है और प्यार बांटा है लोगों में, उसका तिनका भी कर पाऊं तो मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी. अब मैं जाऊं भाई? सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक मैं पूछा. दीपिका जी भी हैं इस फिल्म में. रोहित जी, दीपिका जी भी हैं. तो जब सेट पे ये दो आते थे, टाइम पे आते थे सेट पे, या फिर वो आप बताएंगे सब से कि मेरे सेट पे कोई टाइम पे नहीं आएगा? तुझे लग रहा है मेरे सेट पे टाइम भी टाइम पे आता है? हमारी नहीं जाते हैं. रोहित शेट्टी के सेट पे रणवीर वैन में सोता था. बस